नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज, मैं हूं अभिनीता मिश्रा। क्रिकेट जगत के सबसे सफल कप्तान माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी लगातार सुर्खियों में हैं। लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि धोनी को अब क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। इसी बीच धोनी ने एक फैसला लिया है, धोनी अब अगले 2 महीने तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जी हाँ, अगले 2 महीने तक धोनी अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। 2 महीने तक वो आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। और भी धोनी बहुत कुछ खुलासा किए हैं, क्या कुछ धोनी ने बयान दिया है नवनीत बताएंगे। जी नवनीत, देखिए बिनीता, बिल्कुल, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उन्हें दो चीज़ों का हमेशा शौक रहा है। एक, वो बाइक के बड़ी शौकीन रहे हैं, दूसरा उनको शूटिंग के भी वो काफ़ी शौकीन रहे। और यही वजह है कि जब क्रिकेट को छोड़ करके दूसरे किसी जॉब को चुनने को उनको मौका मिला तो उन्होंने फौज को चुना, और इसीलिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया जहाँ पे वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे हैं। और वो इस बार जब वो क्रिकेट में उनके संन्यास को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है तो उन तमाम अटकलों से दूर इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो अगले 2 महीने तक टेरिटोरियल आर्मी के साथ जुड़ेंगे। और इस बार उनको लेकर के एक सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है कि इस बार महेंद्र सिंह धोनी अपनी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में चाहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में उसकी गिनती होती है और सबसे ठंडा वहाँ पे ठंडा वो जगह होता है जहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी अपनी तैनाती चाहते हैं ताकि वहाँ पे भारतीय सेना के जवान किन विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हैं, उन तमाम चीज़ों के बीच महेंद्र सिंह धोनी इस बार देश की सेवा में आगे आना चाहते हैं और वहाँ पे वो सैनिकों के साथ रहे। तो विनीता, आप अंदाज़ा लगा सकती है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इस बार कितना चुनौतीपूर्ण टास्क अपने लिए चुना है, चूँकि जब उनकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में होगी तो वो वहाँ पे किस तरह काम करेंगे। अभी तक वो बैट और बल्ले से जो हैं वो मैदान पे बड़े बड़े करतब दिखाते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा कि जब कोई भारतीय क्रिकेटर सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सैनिकों के साथ -40 डिग्री के टेम्परेचर में हाथ में बंदूक लिए हुए सीमा की रक्षा करेगा। तो ये एक महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक जो है वो देश के सामने आएगा और इसके लिए अब जो तमाम महेंद्र सिंह धोनी के समर्थक है, प्रशंसक है, उनको इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी कब आर्मी को अपनी ये नई पारी जो है वो दे रहे हैं और कब उनकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में हो रही है। चूँकि महेंद्र सिंह धोनी ने खुद इस बात का चयन किया है और सेना से उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में होनी चाहिए जहाँ पे वो सैनिक किस स्थिति में काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनके साथ कुछ समय गुजारना चाहते हैं। हो सकता है कि भारतीय आर्मी उनकी वहाँ पे तैनाती करे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत रहे हैं और उनकी तमाम शारीरिक और मानसिक दक्षता को देश कई मौके पे देख चुका है। यहाँ तक कि मैं विनीत आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने पारा कमांडो की भी ट्रेनिंग ली हुई है और वो हवाई जहाज से छलांग भी लगाते हैं, पैराशूट जंपिंग भी करते हैं। तो वो काबिलियत उनके अंदर है, अगर उन्होंने ये चीज़ें चुनी है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं बाकी अन्य क्रिकेटरों को भी देश के सेना से और देश के सीमाओं से जुड़ने का एक उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है। अब देखना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी नई पारी में किन रूपों में सामने आते हैं और देश के लिए किस हद तक अपनी सेवा दे पाते हैं। जी वाकई वाकई नवनीत, तो महेंद्र सिंह धोनी बल्लों से छक्के छुड़ाने के बाद, दुश्मनों के बल्लों से छक्के छुड़ाने के बाद एक बार फिर से अब फॉर्म में आ गए हैं और इस बार वो बल्ले से नहीं बल्कि बंदूक से सियाचिन ग्लेशियर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने को एक बार फिर से तैयार हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करते जाएं।